कपास खरीदी को लेकर सीसीआई मंडी किसान और व्यापारियों के मध्य गुणवत्ता के मामले में लगभग दो घंटे तक सुसारी जिनिंग में जमकर विवाद हुआ, जहां किसानों का आरोप था कि मंडी में उनके कपास क्वालिटी की जांच के बावजूद सीसीआई अधिकारी उनके माल को खराब और सी ग्रेड का बताकर लेने से इनकार कर रहे हैं। वहीं सीसीआई अधिकारियों का कहना था कि किसान वाहन में बाहर अच्छे स्तर का कपास बताकर अंदर हल्की क्वालिटी का कपास भर लाते हैं, जिन्हें लेना संभव नहीं है। हालांकि मीडिया के हस्तक्षेप से सीसीआई ने अपने रवैये में नरमी लाते हुए कई गाड़ियों का कपास खरीद लिया। किसानों की मांग है कि उनके कपास की ए बी क्वालिटी के अतिरिक्त सी क्वालिटी का भी माल खरीदा जाए। हमारी समस्या ये, माल जैसा पता है वैसा लेके आए हम मंडी में खड़ा करा था, वहाँ नीलामी हुई है, सीसीआई वाले उन्होंने ली थी, और यहाँ पे आके जमीन में आके हमारा माल खाली नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया। अब इसके लिए हमने मंडी वाले उनको सबको बुलाया था, वो अभी भी बोल रहे हैं ये माल रिजेक्ट होगा, वहाँ पे बोल देते तो हम परेशानी होती, ट्रैक्टर का भाड़ा हमको लग रहा है, बोला डबल बोली लगाने के बोल रहे हैं, तो उसके बाद में आप वहाँ पे होगी कटिंग वर्क, वही समस्या हो जाती तो काश्तकार कुछ भी समझ के वहाँ जैसा तैसा निपट लेता। मंडी के अंदर जो वाहन नीलामी किए गए थे उनका जो बाहर माल जैसा देखा गया था, अंदर ऐसा माल निकला नहीं था, इसलिए फैक्ट्री के अंदर वाहन को रखवा दिया गया था, और किसान के साथ में कुछ लोग जो ऐसा माल तक मान के चलो जो व्यापारी लोग हैं भीतर बेकार माल लगा के ला रहे हैं और ऊपर अच्छा माल लगा के ला रहे हैं, उनकी वजह से सबको तकलीफ हो रही है। मंडी के अंदर हम थोड़ा सा चेक कर पाते हैं जो अच्छी क्वालिटी होती है, उसके बाद में अगर मान लो फैक्ट्री के अंदर बेकार माल निकलता है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और उस माल को जितना माल खाली हुआ अच्छा वाला उसको खाली करवाते हैं, बाकी उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि एफ क्वालिटी के पास ही हमको खरीदना है और वही कपास हम खरीद रहे हैं, किसानों को उनकी उपज के जैसा